नमस्कार, आज मैं आपके सामने कच्चे आम की लौंजी बनाना बताने में बहुत अच्छी और काफ़ी दिनों तक सही रहती है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये 300 ग्राम कटी हुई आमियाँ हैं, कच्चा आम और 100 ग्राम चीनी, और अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, मेथी के दाने लगभग आधा चम्मच, कलौंजी आधा चम्मच, अब देखिए हमारे ये गरम हो गया, हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और ये नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, स्वाद के लिए काला नमक। अब हम इसमें ऐड करते हैं लगभग एक बाउल पानी और अब हम इसे अच्छी तरह रख देते हैं और अच्छी तरह इसको पकने देंगे। हम अभी ने चेक कर लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे लगभग 100 ग्राम चीनी या आप गुड़ भी डाल सकते हैं, आपको गुड़ की पसंद हो तो आप गुड़ की भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, डालेंगे हम हींग एक चुटकी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे फिर से पकाएंगे क्योंकि चीनी पानी छोड़ेगी, हमें इसे अच्छी तरह पकाना है और इसे गाढ़ा कर लेना है। चलिए हम अब अपनी आम की लौंजी को चेक कर लेते हैं और ये देखिए मिनट लगे हैं बनाने में, देखिए और ये अच्छी तरह पक गई है, खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब हम इसको करते हैं सर्व, ये देखिए मेरे कच्चे आम की लौंजी बनकर तैयार हो गई है, जो बेहद ही टेस्टी, खट्टी मीठी और आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।